हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन. ओके, सो बेसिकली हमें ट्रांसलेशन के बारे में, हम दोनों के बारे में, इंडिविजुअली प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियोस में, आप उनको देख सकते हैं. अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो पहले हमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन क्या होता है. तो एमआरएनए को कोड करके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. मतलब कि एमआरएनए की वजह से क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंस की कि दो टाइप के हमारे पास एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. तो दोनों में ये प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. तो डिफरेंस की बात करते हैं दोनों टाइप के एनिमल्स में. तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा आता है कि ये होता कहाँ है. तो ये होता है हमारा साइटोसोल्स के अंदर. ठीक है, साइटोसोल्स के अंदर प्रोकैरियोट जो होते हैं उन एनिमल्स में, साइटोसोल्स के अंदर जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है. और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. और उसके अलावा क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, जिसके अंदर डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम्स की. तो वहां पे भी क्या है, हमारा ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राइबोसोम्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, राइबोसोम्स की अगर डिफरेंस की हम बात करते हैं, तो ट्रांसलेशन में जो यूज आते हैं प्रोकैरियोट्स में आते हैं स्मॉल टाइप के राइबोसोम्स यूज आते हैं, जो कि होते हैं 70S, जिसमें एक 50S का लार्ज सब यूनिट्स होती है और 30S की स्मॉल सब यूनिट्स होती है. अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो इसमें लार्ज टाइप की लार्ज राइबोसोम्स यूज में आते हैं, जो क्या होते हैं, 80S टाइप के होते हैं. और इसमें क्या होता है, 60S सब यूनिट्स जो होती है वो लार्ज सब यूनिट होती है, और 40S सब यूनिट्स होती है वो होती है स्मॉल सब यूनिट्स. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जिसमें कि इनिशिएशन होता है, तो उसमें जो फर्स्ट अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं इन प्रोकैरियोट्स, तो वो कौन सा होता है, एंड फॉर्माइल मिथियोनिन होता है, जो कि डेरिवेटिव होता है मिथियोनिन का. ठीक है, डेरिवेटिव होता है मिथियोनिन का, और उसमें क्या, फॉर्माइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है. ठीक है, मेन अमीनो एसिड जो होता है वो मिथियोनिन होता है. ठीक है, जो कि फर्स्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये डेरिवेटिव, इसी का डेरिवेटिव मॉडिफाई हो जाता है, इसका एफ ग्रुप जो है वो आके अटैच हो जाएगा, तो एन एफ मिथियोनिन जो होता है वो इसमें फर्स्ट अमीनो एसिड की प्लेस लेता है. ठीक है, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो इसमें सिंपली मिथियोनिन जो है वो फर्स्ट अमीनो एसिड्स का प्लेस लेता है, या फिर फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता है वो मिथियोनिन होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सिंथेसिस के बाद, जब पूरा प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, उसके बाद जो इसका एन फॉर मिथियोनिन जो होता है, एन फॉर्माइल मिथियोनिन, वो रिमूव हो जाता है. ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स की जो चेन होती है, वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसमें से मिथियोनिन जो होता है प्रोकैरियोट्स में, एन एफ मिथियोनिन, वो रिमूव हो जाता है. जबकि अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो मिथियोनिन ग्रुप है वो अटैच रहेगा 20 अमीनो एसिड्स की चेन के साथ. अब नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है, वो है चाइल्ड ऑर्गेनो को लेकर. अगर आपको पता है कि आपने, अगर आपने देखा है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो उसमें आपको पता होगा कि एमआरएनए जो है उसके ऊपर एक चाइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है. चाइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस क्या है, ये एक प्यूरिन रिच रीजन होता है. ठीक है, इसमें प्यूरिन जो है वो सबसे ज्यादा रिच उसमें अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, चाइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस होता है, उसके बाद क्या है, उसके बाद स्टार्ट कोडन प्रेजेंट होते हैं. तो इनिशिएशन जो स्टार्ट होता है, बेसिकली अटैच होते हैं चाइल्ड ऑर्गेनो पे जाके सारे इनिशिएशन फैक्टर, राइबोसोम सब, और फिर क्या होता है, स्लाइड आउट करके स्टार्ट कोडोन पे जाता है, और उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन का. ठीक है, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें चाइल्ड ऑर्गेनो सीक्वेंस प्रेजेंट ही नहीं होता है, इसमें 5 कैप जो प्रेजेंट होती है. अगर यूकैरियोटिक में जो एमआरएनए होता है उसमें 5 कैप का फॉर्मेशन हुआ हुआ होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहीं पे सारे इनिशिएशन फैक्टर्स और राइबोसोम्स का जो प्रॉपर जो इनिशिएशन कंपाउंड है वो आके अटैच होता है, फिर स्लाइड करता है, और फिर स्टार्ट कोडोन पे जाके क्या करता है, ये अपना इनिशिएशन स्टार्ट करता है. तो बेसिकली इसमें चाइल्ड ऑर्गेनो के बाद आता है स्टार्ट कोडोन, और उसमें कैप के बाद स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होता है. ठीक है, जहां से इनिशिएशन स्टार्ट होता है. नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है आरएस फैक्टर इज नोन एज रिलीजिंग फैक्टर. रिलीजिंग फैक्टर क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है, जो कि अगर प्रोकैरियोट में बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, और यूकैरियोट्स में अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही टाइप का रिलीजिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलेशन साइट की अगर हम बात करते हैं, अगर प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं, तो बहुत सारी टाइप ऑफ
ट्रांसलेशन साइट्स प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, मतलब एक ही आरएनए है उस पे बहुत सारी ट्रांसलेशन साइट्स प्रेजेंट होती है और सब पे राइबोसोम्स और कंपाउंड वगैरह जुड़ के ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहने का रीजन क्या है, इसमें बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट होती है, इसलिए ट्रांसलेशन की साइट्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसको कहेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और इसको कहेंगे यूनि या फिर मोनोसिस्ट्रॉनिक, क्योंकि इस पे एक एमआरएनए पे ज्यादा साइट्स प्रेजेंट नहीं होती, एक ही साइट प्रेजेंट होती है और इसमें बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट होती है ट्रांसलेशन की, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोटीन जो है उसका सिंथेसिस हो सकता है, लेकिन इसमें ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है एक बार में, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें एक प्रोमोटर में मल्टीपल जीन का एक्सप्रेशन करता है, लेकिन इसमें वन प्रोमोटर इज इक्वल्स टू वन जीन, ठीक है। एक प्रोमोटर के साथ एक ही जीन रहेगा, इसमें एक जीन, एक प्रोमोटर में बहुत सारे जीन आ जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, इसमें एक ही बहुत सारे जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, लेकिन इसमें एक बार में एक ही जीन का, एक ही टाइप के जीन का एक्सप्रेशन होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस भी एक ही टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें इनिशिएशन फैक्टर्स की, तो प्रोकैरियोट्स जो एनिमल्स हैं उसके अंदर इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो इसमें बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हम नॉर्मल अगर स्टडी करते हैं तो हमें थ्री और फोर इनिशिएशन फैक्टर्स के बारे में नॉलेज होता है, लेकिन बेसिकली इसमें नाइन इनिशिएशन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग में। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, इसमें जब प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है जो कि बन चुका होता है, पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, उसका सिंथेसिस होता है, मॉडिफिकेशन, सिंथेसिस होने के बाद मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए इसको, इसमें जो प्रोसेस एक और ऐड होता है वो होता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड की चेन हमें मिलती है, प्रोटीन मिलता है, उसका मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का एक स्टेप होता है, वो भी होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में। अगर हम देखते हैं तो जो हमारे पास प्रोटीन बना है या फिर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है, पॉलीपेप्टाइड की चेन का सिंथेसिस हुआ है, वो डायरेक्टली अपना जो उसका जो एक आगे जाके जो मोटिव है या फिर जो एम है वो अपना एम कंप्लीट कर सकती है, उसका मॉडिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट इज, इसमें अगर हम टाइम की बात करें कि ये जो होल प्रोसेस हो रहा है ट्रांसलेशन का वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में किस टाइप से और किस टाइमिंग पे हो रहा है, तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो इसमें हो रहा है 20 अमीनो एसिड्स पर सेकेंड, पर सेकेंड में एक अमीन 20 अमीनो एसिड्स, यानी हर सेकेंड में लगभग एक पॉलीपेप्टाइड की चेन का फॉर्मेशन हो जाता है अगर हम इसकी बात करते हैं तो। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इसमें वन अमीनो एसिड्स पर सेकेंड की स्पीड से इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये जो है इसकी स्पीड से 20 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये स्लो स्पीड है और ये बहुत ही फास्ट स्पीड होती है इसमें ट्रांसलेशन की। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंसेस and now you can even compare the both types of translation in both type of animals. Please like, comment and share this video. Hope you like this video. Don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching this video. Have a nice day.